स्पेशल उनके लिए स्पेशल तोहफा, बहुत सारे भाइयों का रिंग आ रहा था, फराज भाई कुछ जोड़े बना के दें। एक भाई है वो दो दफ़ा में से कॉल कर चुके हैं, शेखुपुरा या शादरे के नज़दीक के रहने वाले हैं वो, कहते हैं फराज भाई कुछ चार जोड़े बना दें, उनके लिए भी वीडियो बनाया है मैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है नया क्लाइंट होता है वो हमें नहीं समझ पाता या हम उसे नहीं समझ पाते। ये लें भजन, उड़े उड़ाए मोर वाले मोबाइल नंबर वाले कबूतरों से भजन, चार पीस निकालें और चारों नारे छल्ले डाल दिए भजन। और आपको पता ही है कि जब इस लेवल का टैडी आए तो फिर पाँव में तीन छल्ले होते ही हैं। आगे चलते हैं, आजा जा, शाबाश शाबाश शाबाश। और इस लेवल का टैडियों का बाप आए तो फिर भी छल्ला बनता है। कैसा है छापदार, देख रहे हैं इस कबूतर का नाम उन्होंने रखा है टैडियों का बाप। और फिर जब पीली पलके आ जाए गोल्डन का मगर, तो फिर तो दो छल्ले बनते हैं ना। कैसा बैलेंस कबूतर है भजन, गोल कबूतर, मोमी चोंच, अलिफ नौका, असल जेठ के लिए। अब आप कह रहे होंगे इस कबूतर का मैं जिक्र क्यों नहीं कर रहा जिसे पूरी कैंची लगी है, ये कोई नेक आदमी है भजन जिसने इसे कैंची मारी है। तो कहते हैं ना बाज तो चवले मारते हैं दवाइयाँ दे दे के कबूतरों को, उन्हीं चवले मारने वालों में ना बास नेक लोग भी होते हैं जो कैंची रखते हैं अपने पास, जो दवाई नहीं देते। इसके छल्ले देखें भजन कितने डाले हमने, पांच। मैं पांच छल्ले डालता नहीं हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कमगर भजन, सूखा पड़ा हुआ है इस वक्त उड़ उड़ के। कितना उड़ा होगा ये कबूतर मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है इसकी आधी दुम कटी हुई है या आधी से ज़्यादा दुम कटी हुई है, परों पे इसके कैंची लगी हुई है। लेकिन ना दुम कटी होती ना पर कटे होते वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पर काटे हैं वजन वो तो कन्फर्म पकड़ने वाले ने काटे हैं ना। लेकिन जो दुम काटी है वो किसने काटी है, वो पकड़ने वाले ने काटी है पीछे वालों ने काटी है जहाँ से आया ये। लेकिन इसको बोलते हैं कबूतर का बच्चा। इसका रिंग देखें भजन, इसकी खस्ताई अलिफ नो की चोंच देखें, ये देखें नीचे से इसकी हालत देखें भजन, हड्डी इसकी बाहर आ गई है। इसको बोलते हैं कबूतर, ये वो कबूतर है भजन जो सूफी बच्चे उड़ाते हैं। खिलाएंगे भजन इसे, भोले शोरे खिलाएंगे, सेवा करेंगे इसकी, क्यों नहीं करेंगे। जब आ हमारे हाथ में गया है तो फिर तो हम दम भी करेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ के भी इसे सब कुछ खिलाएंगे, क्यों नहीं फिट होगा इंशाल्लाह। पर चेक करें भजन, लाल पर हैं इसके, ये देखें देख रहे हैं। अब वो जो लोग कहते हैं ना 10वां पर छोटा और 9वां पर बड़ा, वो देख लें कि आसमानी कबूतर ऐसे होते हैं। और सबसे जो मज़े की चीज़ है ना जिस पे ये सारे लोग सड़ते हैं, दो नंबर, एक नंबर की बात नहीं कर रहा, एक नंबर लोग तो खुश होते हैं मेरी बातों से, ये दो नंबर लोग जो सड़ते हैं ना वो सड़ते इसी बात पे हैं। वैसे ये एक भी मेरे घर का नहीं है, कैसा है। और दूसरों की तारीफ़ करना सीखें, मौत पड़ी होती है दूसरों की तारीफ़ करते हुए, अपनी चीज़ों की तारीफ़ करते रहते हैं, आ हमारा ये हमारा वो हमारा ये। जो कल निकल गया ना भजन वो निकल गया, आज बताएं आज बताएं, अस्सू में कितने उड़ाए और कितने बिठाए, कितने घंटे बनाए, और कितना ऊंचा नाम आपका है। क्योंकि ऊंचा नाम सिर्फ मेरे अल्लाह और मेरे रसूल का है, सीधी सी बात है। कैश पे चलेंगे भाईजान, क्योंकि आपको पता है टल्ली खड़कती रहती है। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे।